स्वागत है माफिया के यूट्यूब चैनल पर। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, माफिया इस टाइम इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ऊपर बैठा हुआ है धूप के अंदर, और उससे मैंने कितनी बार मना कराया, समझाता भी हूँ, परंतु उससे क्या मज़ा आता है ऊपर बैठने में। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हर पता नहीं बैठा कैसे यार ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसकी। चलो भाई माफी, नीचे चलो, हाँ नीचे आओ, नीचे चल रहा, तो इसे मैं अभी नीचे ले जाता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे तो थोड़ा बहुत, मेरे को तो पसीना आने शुरू हो गए, इसका क्या हाल हो रहा होगा। तो इसे मैं नीचे ले जाता हूँ, देख सकते हो बिल्कुल भी यार बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, तो इसे जल्दी से नीचे ले जाता हूँ। माफिया तो नीचे है आराम से सो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चुप चुपी गर्मी कहते हैं यार ये, इसे तो यार बहुत ज़्यादा। और ये देखे तो क्या मौसम हो रहा है इस टाइम, एकदम ऑरेंज ऑरेंज हर जगह। तो जितने भी कपड़े यार मेरे को अभी सब के सब इकट्ठे करने हैं और उनकी तय माननी है और फिर कमरे में रखने हैं, तो ये काम कर लेते हैं फिर चलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। एक मिनट जल्दी से ये काम कर लेता हूँ मैं। गाय जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर आप ब्रजपुरी या फिर यमुनानगर में रहते तो आप इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर यही एक दिल्ली में जगह है जहाँ सब्जी से समोसे मिलते हैं। बहुत ही कम यार, बहुत ही कम दिल्ली में, बहुत ही कम जगह है यहाँ पर सब्जी से समोसे मिलते हैं, वो भी इस जगह पर काफ़ी बढ़िया है। और यार एकदम मज़ा आता है समोसा एकदम यहाँ के। मैं यहाँ बाहर से मैं तो समोसा खा कर तो ये भुटिया खा रहा है देखो आराम से उबली हुई भुटिया है, इन्हें खा रहा है यार, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना एकदम। देखो ये तो दाने, जितने दाने दाने खा रहा है, देखो इसके नुका नुका के दाने, अपने आप ही यार दाने को नुका लेता है ये हर तरह से। ये देखो आधी तो गिर रही है इसकी और आधी खा रहा है, क्या क्या रहा है यार ये तो जल्दी से ख़त्म कर दे, फिर उसके बाद हम माफिया को ले चलेंगे वॉकिंग पर। गाइस देखो बहुत ही ज़्यादा माफिया एक्साइटेड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चलने के नाम पे मैं कह रहा चलो बाहर चल रहे हैं, देखो वहाँ जाकर खड़ा हो जाओ गेट पर, ये देखो अब अंदर नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहे, हम जा ही नहीं रहे, हम जा ही नहीं रहे, हाँ हाँ आ गया हमारे पास जो ना, जाओ जाओगे कैसे नहीं, जाओगे कैसे नहीं मेरे संग। अभी देखो कितना एक्साइटेड हो, चलें चलें बाहर जल्दी बताओ, हाँ ना बोल जल्दी, चलें माफिया बाहर चलें, सुन नहीं रहा मेरी, चलें हाँ चलना है ना, हाँ चलो चलो जल्दी चलो, हाँ चलो भाई चलो, ओह आराम से आराम से आराम से, लग जाएगी भाई लग जाएगी किसी के, चलो भाई बाहर चलो, हाँ कितना ज़्यादा यार ये बेताबला रहता है बाहर घूमने के लिए, तो आराम से यार लगना चाहिए किसी के, तो इसे बाहर ले चलते हैं। देखो बाहर आ चुका है माफिया, और यहाँ पे माफिया का एक जना मिला है जो मैं पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जायंट रोड व्हीलर, वो हमें दिख चुका है सामने से आ रहा है, तो एक बार उससे उनके ओनर से बात करते हैं क्या नाम है क्या नहीं है कितने एज का है। एक मिनट वो सामने आ रहा है, माफिया का ध्यान नहीं गया उस पर, थोड़ा सा करीब ले चलता हूँ उसके हल्का सा, देखो अब दिख रहा है शायद, अभी भी ध्यान नहीं किया, अभी ज़्यादा माफिया का ध्यान नहीं किया उस पर, थोड़ा और करीब चलते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। एक मिनट देखो माफिया थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, मैं ऐसे माँ पास नहीं लेके जाऊँगा वहाँ पर। गाइस मेरा छोटा वाला भाई गया था मिलने के लिए इस डॉग से, रोड व्हीलर से, जायंट रोड व्हीलर से, और मैं माफिया को पकड़ के दूर खड़ा था, क्योंकि मैं माफिया को उससे छोटे वाले से संभलता नहीं, तो उसको मेरे को पकड़ने के खड़ा होना पड़ा माफिया को लेकर। और छोटे वाले के पास गया तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे ही वो उसके पास गया मिला उससे, तो उससे समझ आया कि हाँ भाई तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और वास्तव में ही वो रोड पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। तो मैंने उससे कहा भाई दूसरी जगह जाकर शूट कर, क्योंकि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, और आप भी नोटिस कर रहे होंगे इस बात को, यहाँ पर सही से दिख नहीं पा रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई दूसरी जगह जा, और वो फिर वापस दूसरी जगह गया, और आप वैसे तो उसकी लुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी जायंट था वास्तव में, और इसका नाम था डोनियर जो बताया पूछा। और एक चीज़ जो हम जल्दबाजी भूल गए, इसकी एज पूछना भूल गए हम जल्दबाजी में, और काफ़ी बढ़िया लुकिंग थी, काफ़ी बढ़िया दिख रहा था, शानदार एकदम, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आने वाले वक्त में माफिया के साथ मैं मॉर्निंग में इसे मिलाऊंगा बहुत जल्दी, अभी तो नहीं क्योंकि माफिया थोड़ा बहुत इसके ऊपर एग्रेसिव हो रहा है, तो फिलहाल तो अभी तो नहीं आने वाले वक्त में मॉर्निंग वॉक पर वो भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी और अच्छी तरीके से वीडियो बन भी जाएगी, तो फिलहाल अभी तो नहीं, दोनों का भी दोनों दूर रखूँगा, मिलाऊँगा नहीं अभी ने। और आपको भी अच्छा लगा होगा डोनर से मिलकर, और बाय सभी को। और गाइस गाइस मुझे पता है कि आप लोग भी चाहते हो माफिया डोनर से मिले,
और मैं भी चाहता हूँ, परंतु उनके ओनर के ऊपर डिपेंड भी होता है, वो मिलाए नहीं मिलाए कुछ मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, परंतु मेरी पूरी कोशिश होगी माफिया को सुबह मॉर्निंग वॉक पर डोनर से मिलाने की। और देखो यार, माफिया इस टाइम अच्छी तरह से समझ चुका है कि हाँ भाई ये इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड है, मतलब मेरे ओनर के फ्रेंड है, ये समझ रहा है इस टाइम। तो उसका तो पूरा ध्यान हट गया, अब बहुत ही कम ना के बराबर एग्रेसिव हो रहा है उसके ऊपर। और देखो यार, जगह जगह मार्क करता चलेगा अभी। देखो क्या यार, हर डॉग के अंदर ये आदत होती है नेचर। अगर गाइस मैं माफिया की जो पट्टी मैंने पकड़ रखी है अपने हाथों में, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो माफिया क्या भाग जाएगा, या फिर घट जाएगा, या फिर माफिया हमारे पास ही रहेगा? तो एक बार चेक करते हैं, या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक बार। तो मैं इसकी वजह से छोड़ दी मैंने। हाँ जाओ, आ गया वापस आ गया। इसे पता है कि भाई इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं बात बनेगी हमारे बिना इसकी यार। इसे अच्छे तरह से पता है, देखो खड़ा हो गया अपना, अब जाएगा ही नहीं यहाँ से, हिलेगा ही नहीं जब तक हम चलेंगे। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें।